गवर्नर ने, राज्यपाल ने कानूनों को स्टडी किया है। ये केस भारतीय जनता पार्टी का केस नहीं है। केजे अब्राहम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं है। अब्राहम, प्रवीण और स्नेहमय कृष्णा, ये तीन लोगों ने गवर्नर को केस दिया था पहले, उसको गवर्नर ने स्टडी किया, सबसे बात किया, कानूनी तरीके से प्रोसिक्यूशन को आज परमिशन दिया है। सिद्धरामैया दो केस में कल्प्रिट है, अपराधी है। एक वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में खुद वो विधानसभा सेशन में मान लिया है, ये करप्शन 187 करोड़ का नहीं है, यह केवल 89 करोड़ का है। लाइक 89 करोड़ का करप्शन हो गया, ऐसे खुद सिद्धरामैया ने मान लिया है। ये पैसा किधर गया? ये पैसा तेलंगाना इलेक्शन को गया, चुनाव के लिए कांग्रेस के अकाउंट में गया। उधर वाइन शॉप को पैसा दिया, उधर ज्वेलरी शॉप को पैसा दिया, एक प्राइवेट बैंक को पैसा दिया। प्राइवेट बैंक से पूरा कांग्रेस पार्टी को ये पैसा गया। हमारा गरीबों का पैसा, हमारा गंगा कल्याण बोरवेल का पैसा, हमारा बच्चे का पैसा तेलंगाना में कांग्रेस चुनाव को दिया है। ये सिद्धरामैया ने किया, ये खुद मान लिया है। दूसरा, मूडा में, मैसूर में इसका बीवी गैर कानूनी तरीके से साइट लिया है, 14 साइट लिया है, 14 साइट लिया है, गैर कानूनी है। एक दलित का जमीन को वो लिया, यानी 92 में लेने के समय, उसके बाद हर समय सिद्धरामैया कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में थे, वो मंत्री थे, ओपोजिशन लीडर थे, अभी मुख्यमंत्री है। मैं मांग करती हूँ सिद्धरामैया ये केस को फेस करना चाहिए, वो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। फिर केस को प्रोसिक्यूशन तो अभी हो गया, जस्टिस मिलने के लिए केस को जस्टिस मिलना चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो मैं इस्तीफा देता हूँ एंड केस को लड़ता हूँ, मुझे न्याय मिला तो मैं फिर से मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसे ये सिद्धरामैया ने तुरंत इस्तीफा देना, ही शुड रिजाइन इमीडिएटली एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस एंड फेस द केस। ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.